गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज कुणाल शाह, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च, और हम ये जो मंथली सीरीज है उसमें एनर्जीज को डिस्कस करेंगे, क्या लगता है एनर्जीज में, क्या आउटलुक है। सो हमने लास्ट महीने में आपको रिकमेंड किया था कि डाउनसाइड लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन द रेड सी। सो रेड सी में जो क्राइसिस है उसके कारण 8-10% क्रूड ऑयल की मूवमेंट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। द जर्नीज आर गेटिंग लॉन्गर, टैंकर्स को डायरेक्ट थ्रेट है, जो भी टैंकर्स रेड सी में फ्लोट कर रहे हैं उसको हाउथी रेबल्स के द्वारा डायरेक्ट थ्रेट किया जा रहा है। सो उसके कारण ऑयल में डाउनसाइड लिमिटेड थी। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने ग्रेजुअल अप मूव क्रूड के प्राइजेस में आते हुए देखा, धीरे धीरे 70 से 72, 75, 76, 77 ऊपर आ रहा है। और मंथ एंड में, फेब्रुआरी एंड में हमने न्यूज आते हुए देखे जहाँ पे ओपेक प्लस ने अपना जो ऑयल का प्रोडक्शन कट है उसको एक्सटेंड किया है। सो कच्चे तेल का प्रोडक्शन जो ओपेक प्लस कंट्रीज ने कम किया था वो टिल द मंथ ऑफ मार्च, वो मार्च के आगे भी एक्सटेंड किया गया है। सो दिस इज एडिंग फायर टू द बुलिश सेंटिमेंट। बट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है देखने के लिए, व्हाट इज हैपनिंग विद द चाइनाज डिमांड, वेदर द चाइना इज रियली पिकिंग अप और चाइना इज स्लोइंग डाउन फर्दर। तो यहाँ से चाइना स्टेबल होता है और यूएस का प्रोडक्शन जो भी लगातार बढ़ रहा है वो थोड़ा भी नीचे आता है तो एक बार WTI $84-85 तक मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं। वहाँ जाते ही हम देखेंगे यूएस से जो ऑयल की सप्लाई है वो और भी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द हायर प्राइजेस एंड दैट विल ब्रिंग डाउन द प्राइजेस। बट टिल देन द जियो पोलिटिकल वरी और टाइटर मार्केट आउटलुक बिकॉज ऑफ वॉट ओपेक प्लस इज डूइंग, ऑयल में मैक्सिमम $84-85 तक बढ़ने की जगह है। और जहाँ तक नेचुरल गैस की बात करेंगे, हमने बहुत ही वर्स्ट मंथ देखा, आई मीन इन लास्ट 10-20 ईयर्स आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ बेरिश ट्रेंड इन नेचुरल गैस। सो मेरी राय में बॉटम तो हो गया है 120 का, कोई भी डिप आती है 140-145 के आसपास वहाँ पर लॉन्ग करना चाहिए, 130 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ये मंथ मुझे लग रहा है ऊपर में धीरे धीरे 175-180 तक के टारगेट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तेजी नहीं समझ में आ रहा है। सो बाय ए डिप्स फॉर नेचुरल गैस, और कच्चे तेल में भी बहुत ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा बढ़ेगा $84-85 के आसपास ये तेज़ी अटकनी चाहिए।